नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल कर्मी में। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा ने कल एक सूचना जारी की है, जिसमें ये बताया गया है कि जनवरी परीक्षा जून 22 और दिसंबर 22, यानी कि जुलाई 21 और जनवरी 22 वालों के लिए जो डीलिस पीलिस के जो बकाए पेपर है उनकी जो परीक्षा आयोजित की जा रही है। ये जो परीक्षा है वो टाइम टेबल मैंने आपको बता दिया गया है। बहुत सारे विद्यार्थियों को दिक्कत भी आ रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तक जो जनवरी 20 के लिए जयपुर रीजनल सेंटर पर शिविर भी नहीं हुआ है तो ये परीक्षा होगी कैसे। तो चलिए मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये परीक्षा किस तरह से हो सकती है, क्योंकि ये परीक्षा करवाना प्रैक्टिकल शिविर करना रीजनल सेंटर का ही काम है, यूनिवर्सिटी करवाती है। लेकिन मैं आपको एक संभावना बताऊंगा किस तरह से ये परीक्षा होगी। तो इससे पिछली जो परीक्षा के ऊपर हम जब चर्चा करते हैं तो पिछली जो परीक्षा थी जुलाई 20 और जनवरी 21 वालों के लिए, उनके लिए 17 सितंबर 2022 को ये नोटिस जारी हुआ था और उसके बाद 19 तारीख को ही ये प्रैक्टिकल इसके जो पेपर के लिए एडमिट कार्ड जारी हुए थे। आप ध्यान दीजिए, 17 सितंबर को सूचना जारी हुई थी और 19 सितंबर को प्रवेश पत्र जारी हुए थे, और जो पहली जो परीक्षा हुई थी वो 2 दिन बाद यानी 21 सितंबर को हुई थी। यानी बहुत ही कम समय दिया गया था, लेकिन यहाँ पर समय तो बहुत ज़्यादा है। तो पिछला भी हम टाइम टेबल देख लेते हैं कि इसमें रीजनल सेंटर वार हुई थी। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जयपुर की कैसे होगी। मैं पिछले जो टाइम टेबल है पिछली परीक्षा वाला 2022 वाला उससे मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आपके एक अजमेर रीजनल सेंटर पे 19 अक्टूबर को हो गए थे और 19 अक्टूबर से शुरू हुए थे। बीकानेर के 12 अक्टूबर से शुरू हुए थे। जोधपुर के सबसे पहले 21 सितंबर को शुरू हुए थे। कोटा के 28 सितंबर को शुरू हुए थे और उदयपुर के 6 अक्टूबर से शुरू हुए थे और भरतपुर के 19 अक्टूबर से शुरू हुए थे और जयपुर के सबसे लास्ट में 28 अक्टूबर से ये जो परीक्षाएं वो शुरू हुई थी। तो मेरे कहने का मतलब है कि जयपुर में सबसे लास्ट में परीक्षा हुई थी तो महीना भर बाकी रीजनल सेंटर पर जैसे एग्जाम होंगे तब तक जयपुर रीजनल सेंटर पर शिविर हो जाएगा। यही संभावना बनती है कि बाकी रीजनल सेंटर पर जब तक ये पेपर होंगे तब तक जयपुर रीजनल सेंटर पर शिविर संपन्न हो जाएगा। शिविर संपन्न होने के तुरंत बाद ही जयपुर रीजनल सेंटर पर जो डीलिस बिलिस प्रैक्टिकल पेपर की जो परीक्षा वो संपन्न हो सकती है, करवाई जा सकती है, ऐसी संभावना बनती है। तो आप जिस चीज़ को लेकर चिंता करें वो चिंता ना करें, आप अपनी पढ़ाई की तरफ अपने प्रैक्टिकल पेपर की तैयारी की तरफ ध्यान दें। तो वो चिंता आप ना करें कि जयपुर का हुआ नहीं, ये होगा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूनिवर्सिटी के ऊपर है, ये 10 दिन में या 20 दिन में ये करवा सकती है। और जो प्रैक्टिकल पेपर की जो पेपर होते हैं लगभग महीना भर 2 महीना आराम से लग जाते हैं, तो डिपेंड करता है कितने ग्रुप्स हैं। तो ये जो टाइम टेबल है इसमें ये जो शुरुआत तिथि और अंतिम तिथि, तो ये इसमें भी अंतिम तिथि बढ़ भी सकती है। तो वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ ग्रुप्स पे, ये जो कितने ग्रुप्स है उसमें निर्भर उस पर भी निर्भर करता है। इसमें आप देखेंगे ये 22 ग्रुप का इसमें ये बता रहा है, तो लगभग 22 ग्रुप पिछली बार हुए थे। इस बार अब देख कितने स्टूडेंट ने एडमिशन लिया उसके ऊपर ये निर्भर करता है। तो आपको ये बताता चलता हूँ कि जयपुर को छोड़कर बाकी रीजनल सेंटर की धीरे धीरे उसकी भी एक अलग से इस तरह की डेट आएगी। आप चिंता ना करें, अभी सिर्फ सूचना दी आपको कि आप तैयार रहें तो बाकी रीजनल सेंटर पर परीक्षा हो जाएगी। जयपुर पर भी शिविर करवा लिया जाएगा, उसके बाद जयपुर रीजनल सेंटर पर ये परीक्षा होगी, ऐसी संभावना बनती है। तो ये मैं मेरी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, इसी संभावना बता रहा हूँ। बाकी कराना कैसे करना ये यूनिवर्सिटी का अपना मसला, यूनिवर्सिटी अपने आप कराएगी, लेकिन मैं आपको ये संभावना बता रहा हूँ इस तरह से ऐसा हो सकता है। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें। जैसे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक।